लोकशाही अनब हाउस साठे जयंती बड़ी सादगी से शहर और ग्रामीण इलाके में इतवार को मनाई गई। शहर मातंग समाज की ओर से लोकशाही अनब हाउस साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा अनब भाव के जीवन पर प्रकाश डाला गया। जगह जगह मिठाई बांटी गई, चैंपियन की शुभकामनाएं दी गई। धर्मदास वानखेड़े ने इस अवसर पर सभी समाज बांधव को शुभकामनाएं देते हुए समाज में शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो प्रगति की ओर ले जाने में सक्षम है। वही जगदीश ठेले ने इस अवसर पर कहा कि पढ़ाई लिखाई ही आज के जमाने में समाज की तरक्की के लिए जरूरी है। अन्नाभाव साठे ने जो मार्ग समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए दिखाया है उसका पालन समाज ने करना आवश्यक है, तभी समाज और परिवार की तरक्की हो सकती है। प्रदीप वानखेड़े ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अन्नाभाव साठे ने पढ़ाई लिखाई न करते हुए भी समाज को प्रगति की राह दिखाई है, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल कर सकता है। इस अवसर पर सुखदेव वानखेड़े, रुपेश खंडारे, विजय भूति, अरुण दखनी, प्रवीण वानखेड़े, माया वानखेड़े, हनुमान वानखेड़े, देवाजी बावने के साथ बड़ी संख्या में मातंग समाज के लोग शामिल हुए थे। साथ ही इस अवसर पर महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। जगह जगह मिठाइयां भी बांटी गई। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।